आज हमारे पास आया है आईफोन का 11 प्रो मैक्स फेस आईडी नेटवर्किंग के लिए। अभी चेक कर लेते हैं फ़ोन कौन सा है अपने को, अबाउट में जाकर चेक कर लेते हैं। फोन हमारा 11 प्रो मैक्स है तो अपने को इधर आया हुआ फेस आईडी नेटवर्किंग के लिए। हमको इसको फिक्स कराना है, इधर चेक कर लेते हैं फेस आईडी हैज बिन इश्यू। अपने को इसको फिक्स कराना है, अभी कैसे फिक्स करते हैं देखते हैं जाके। इधर जाके इसका पासवर्ड लगाते हैं, उसके बाद चेक कर लेते हैं। और ये कि अब प्रॉब्लम वॉज डिटेक्ट वही टू डेप्थ कैमरा फेस आईडी इज डिसेबल बोले तो अपने को क्या है 220 ओवर ओवर ओके ही काम कर रहा है। तो किसी ने कस्टमर ने बोला है वाटर डैमेज हुआ था इसलिए ये काम नहीं किया है। तो हम इसको कैसे फिक्स करते हैं चलो देखते हैं। उसके बाद हमने कंप्यूटर में भी देखा तो कंप्यूटर में क्या हुआ, इसमें कोई भी कैमरा वगैरह चेंज नहीं किया हुआ है फ्रंट कैमरा, इसलिए हम इसको हैबिटेट प्रो रिजल्टर का काम करते हैं। इसको फिक्स करा देते हैं, उसके बाद फोन हमने स्क्रू तो निकाल दिए। अभी क्या रहता है अपने को बैटरी रिमूव करना है। पहले बैटरी रिमूव करने के बाद अपने को क्या रहता है जो फेस आईडी का फ्लेक्स रहता है वो रिमूव करने का है। अपने को बस सिर्फ अभी ये कैमरा अपने को क्या कर दिया, हमने इसका कैमरा रिमूव कर दिया। कैमरा रिमूव करने के बाद अपने को इसको साइड लगा देने का। अब उसके बाद अपने को आया इसका काम। अभी क्या करना है इसमें अपने को, ये अपने को फेस आईडी जो रहता है इसका नॉर्मल है अब नॉर्मल है वो चेक करते हैं। उसके लिए अपने हमारे को क्या जेसी का नया पत्ता भी चाहिए, तो हम जेसी का नया पत्ता भी लेकर आते हैं। उसके बाद अपने को या अपने को जेसी का अपने को जेसी आईडी डब्बा भी चाहिए। उसके बाद ये लगाएंगे, उसके बाद अपने को फेस आईडी वाला प्लेट। अभी फेस आईडी स्ट्रिप लगाएंगे, उसके बाद अपने को 11 प्रो और प्रो मैक्स एक ही जगह लगाएंगे। बोले तो क्या है इधर अपने को एबनॉर्मल है। अपने को करना क्या है इसको, अभी इसको अब अपने को नॉर्मल कराना है। अपने को अभी ये क्या करेंगे, हम इसका पत्ता चेंज अपने इसका इसके जगह अपने को ये डालेंगे तो अपने को हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। अपने को क्या करने का अभी इसको रीड करके रख देने का। अब उसके बाद ये रीड करने के बाद अपने को जो इसका पत्ता रहता है उसमें इसमें राइट करने का। फिर
उसके बाद अपने को क्या हुआ, अपने को ये पता, ये पत्ते इसने रीड किया, तो हमको इसको क्या करना है अभी, ये करने के बाद अपने को ये इसमें राइट कर देने का है। और इसमें कह रहा, इसमें जाके राइट कर देने का बोले, तो अभी इधर जो पत्ता था चेक कर लेते हैं एक बार, फिर भी अभी फिर भी क्या करेंगे एक बार, आपको जो रीड इधर रीड किया था इसमें राइट कर देने का, बस और कुछ नहीं है। उसके बाद अपने को क्या करते हैं, कैमरा को क्या कर देने का, उसके बाद अपने को क्या कर देने का, जो फेस आईडी के रिफ्लेक्स रहता अपने को इस जगह क्या रहता, तो फिक्स करा, उसके लिए अपने को ये फ्लेक्स भी क्या करना पड़ता अपने को, ने क्या किया, ये अपने को इधर फिट नहीं होगा, इसलिए हम क्या कर देते हैं इसको अभी, अभी इसको निकाल तो दे दिया। अभी ये निकालने के बाद क्या रहता है, अभी इसको कैमरा में जाकर देखते हैं कैमरा में क्या होता है। इसमें एक जगह रहता है ऊपर ग्लू जैसा रहता है, उसको ग्लू निकालना पड़ती है। ग्लू निकालने के लिए सिर्फ अपने को 200 का टेम्परेचर दे दो या 60 का एयर दे देने का। उसके बाद 4 नंबर का मैं हाफ ब्लेड आता है, ये ब्लेड खरीद लेने का। उसके बाद जो उसका दो बीच का होल रहता है उसको बीच में थोड़ा टेढ़ा बना के थोड़ा निकाल देने का। उसके बाद 300 ईट अरे 60 एयर दे देने का। देने के बाद थोड़ा प्रेस करने का, वो अपने आप निकल जाएगा, कि ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। थोड़ा उधर रहता है ये ग्लू, ऊपर साइड का ग्लू रहता है, उसको पहले रिमूव कर देने का, क्योंकि जो डॉट अपने को वो उसमें नीचे अपने को गया, तो अपने को सिर्फ पहले फेस आईडी लगाने में वो मुश्किल रहेगा। अब क्या करने का, ये अपने को ये तो निकाल दिया, अब इसको हमने रिटायर तो आगे कर दी। उसके बाद ये निकाल के अपने को जेसी के पत्ते में फिट कर देने का है। उसके बाद निकालने के लिए 350 का हाइट और 60 का एयर यूज करने का, निकाल लेने का। उसके बाद क्या रहता है, इसका आजू बाजू का इसका ब्लैक ग्लू रहता है, उसको ब्लैक ग्लू निकालना पड़ता है। उसके लिए थोड़ा फ्लक्स यूज करने का, आयरन से आराम से वो ग्लू निकाल देने का, या अपन आयरन से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद अपन जाके पहले लो टेम्परेचर कर देते हैं। लो टेम्परेचर क्यों करते हैं, जो हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर के करने में फ़ायदा रहता है अपने को, जो अब थोड़ा हीट दे के अपने को लो और हाई के में मिडल बना सकते हैं। मैं कैसी का 183 यूज़ करता हूँ, वही यूज़ करो, वो भी आप बेस्ट ही रहेगा। उसके बाद जो ग्लू रहता है ये ग्लू को रिमूव कर देने का। ग्लू रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी का डाई आता है उसमें फिट कर देने का। उसके बाद ग्लू रिमूव करने का, आईसी निकलने का करने का चांस कम रहता है। ये ग्लू रिमूव करने के लिए 240 और 60 का एयर यूज करने का, 300 तक की यूज कर सकते हैं, डिपेंड योर एनी स्किल।
उसके बाद आप उनको इसको साफ कर देने का ब्रश से, देखने का कि कहीं ग्लू है कि नहीं बोल के। ग्लू रहता है तो अपने को क्या रहता है, ग्लू रहता है तो अपने को इधर जो फेस आई डिफ्लेक्स में टेढ़ा मेढ़ा होता है, इसलिए कर देने का। ये थोड़ा इधर देखा तो थोड़ा अपने को डस्ट जैसा लगा, इसको भी बहुत मुलायम रहता है ये वायर, अपने को बहुत भी केयरफुल हो के करने का। और उसके बाद ये क्या रहता है, ये मोसफेट को हम बाईपास कर देते हैं। बाईपास करने के लिए थोड़ा अपने को क्या किया हमने, ग्लू तो निकाल दिया, उसके बाद उठा देने का, निकालने के लिए 370 और 70 ईट दे देने का। नोजल शार्प इज बेस्ट, अब आपका मर्जी है, कोई भी आप यूज करो। उसके बाद थोड़ा फ्लक्स फ्लक्स टाइप, फ्लक्स करने के बाद ये दो आप दो बॉल क्या रहता है, हम उसको शॉर्ट कर देते हैं। उसके बाद मैं जम्पर वायर यूज़ किया, बट आप कोई भी यूज कर सकते हो, या डायरेक्ट शोल्डर भी लगा सकते हैं, उसमें लिए कोई टेंशन नहीं। उसके बाद थोड़ा फ्लक्स ज़्यादा रहता है तो अपने को क्लीन कर देने का कहीं भी है तो। अब वो ऊपर साइड का क्या रहता है, जो ग्लू रहता है वो पहले रिमूव कर देने का, तो उसको साफ कर देने का ध्यान से, ये नीचे का वायर कोई भी नहीं टूटे अपने को ध्यान देना पड़ता है। और वो कोई भी पिपड़ी जैसा ऐसा दाना रहता था उसको निकाल देने का पहले ही। उसके बाद निकाल देने के बाद अब क्या करेंगे, जेसी का नया पत्ता लेकर आएंगे, जेसी का पत्ता में ये जाके फिट कर देंगे। उसके बाद थोड़ा हीट दे देने का, फ्लक हीट देने के लिए 370 70 ईट दे देने का, या 60 एयर दे देने का, ऐसा थोड़ा लगा हुआ है कि नहीं बोल के थोड़ा हिला देने का। उसके बाद ये क्या क्या करेंगे, अब जैसे जैसे रिपेयर में जाके देखते हैं, अपने को पत्ता में जाके इधर एबनॉर्मल था तो नॉर्मल हुआ है कि नहीं, लगा देते हैं। लगाने के बाद क्या करते हैं, हमको इधर नॉर्मल आया तो चलो परफेक्ट ओके, ये तो अपने को अभी ये जाके अब उनका लगाएंगे। अब वो जैसे के लगाने के बाद अब वो भी इसको फिट कर देते हैं, जो वो पुराने जहाँ लोकेशन में था वहीं वहीं पर फिट कर देते हैं, जो उसका लोकेशन था वही लगाना पड़ती है, क्योंकि कि टेढ़ा मेढ़ा लगा हुआ है रहता है अभी तो भी, अब अपने को क्या नहीं लेगा। तो अपने को पहले ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने का काम यही है, वो तो कोई भी करेगा उसके लिए कोई टेंशन नहीं। इसमें क्या रहता है, हाँ देखिए, अब ये दो बॉल का हुआ है, ये जो रहता ना नीचे और ऊपर में थोड़ा मुलायम, थोड़ा छोड़ने का। उसके बाद अपने को दोनों साइड का सेम सेम लगाने का, सुपर ग्लू रख देने का डायरेक्ट ही। उसके बाद अपने को क्या करने का, उसके बाद सुपर ग्लू थोड़ा करने के बाद अपने को वो बैठ ही जाएगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहता था, सुपर ग्लू लगा दिया हमने तो कुछ देर थोड़ी छोड़ ही देने का कि उसको। और उसके बाद ऊपर साइड में भी डस्ट डस्ट रहता है तो निकाल देने का। वो इसका दो साइड रहता है, हमने एक साइड तो लगा दिया, अब इस साइड भी क्या करेंगे, थोड़ा सुपर ग्लू ही लगा देते हैं। उसके बाद सुपर ग्लू लगाने के बाद थोड़ा देर इधर लगाने के बाद थोड़ा वेट करने का।
बस अब क्या इस साइड क्या रहता है, थोड़ा नहीं लगा हुआ रहता तो हमने क्या कर दिया, इसको लगा दिया। तो वेट करने का, उसके बाद अभी जो पता रहता वही अपने को देखने का है, अभी जाके बोर्ड में जाके फिट कर देने का। पता है इसके फिट कर दिया, पुराना वाला पत्ता क्या है इधर हम, हमने पुराना वाला पत्ता फेंक के नया पत्ता में फिक्स कर दिया। ये अपने को पुराना वाला पत्ता है तो हमने क्या कर दिया, इसको नया वाले में नया जैसे आईडी का नया पत्ता फिक्स कर दिया। उसके बाद हम लगाएंगे इसको असेंबल, जैसे भी करते थे वही असेंबल कर देने का है। अभी क्या करने का, अभी ये फ्लेक्स लगाने वाले में ध्यान देना, इधर क्या रहता है आईसी रहता है तो अपने को ध्यान दे के लगाना पड़ती है। तो अपने को पहले इसको कम फिट कर देते हैं, लगा दी। उसके बाद हम करेंगे इसको, अभी ये तो इसमें तो ये लगा दिए, तो अपने को इसमें क्या रहता है ये फ्लेक्स इधर फिट कर देते हैं। अभी फिर अभी क्या कर देंगे कैमरा, तो अपने को सेफली इधर एक छोटा आईसी रहता है, अभी क्या हुआ। अब उसके बाद हम इसको क्या कर, ये स्क्रू रहता है इसका, तो ये जैसे इधर साइड लगा देते हैं। इसके बाद अपने को अभी हमने क्या कर दिया, इसका जो पत्ता था उधर था ऊपर नहीं आएगा, ये ग्रिप चेक करने का। उसके बाद अपने को क्या कर देने का, जो इधर था उधर ही लगा देने का। उसके बाद अपने को अभी अभी ऊपर साइड जोड़ देने का, उसके बाद फोन को पावर ऑन करने का। फोन को पावर ऑन करने का, फोन पावर ऑन हो रहा है। इधर आप कैमरा चेक कर लेते हैं, फ्रंट कैमरा काम कर रहा है, तो अभी हमें सेटअप कर लेते हैं। अभी इसमें जाने का 0198, इसको रीसेट कर देने का। उसके बाद अपने को क्या कर देने का बोल रहे, तो अपने को कैमरा फेस आईडी चलो, थैंक यू। कोई भी फ़ोन का फेस आईडी करना है तो आपको क्या करना है, ऐसे भी करके अपने को क्या करना है तो फ़ोन को आराम से करना है। तो कोई भी फ़ोन हो तो आपको फेस आईडी ऐसे फिक्स कराना पड़ेगा। चलो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी लाइक से करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जो आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब भी अपने को क्या रहता है, नया अगली वीडियो बनाने के लिए ईजी रहता है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।